Gentlemen, on behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy, I welcome our chief guest, Sri Anurag Agarwal, IAS, Home Secretary, UT Chandigarh. I also welcome Mrs. Sumit Kaur, former chief architect, UT, and all our guests present here today. Chandigarh Lalit Kala Academy has taken an initiative to give an opportunity to art lovers of the city to be able to interact and know about works of our city artists. Today is the second event of this program, which will be followed by many more. I would like to start with requesting Mr. Bhim Malhotra, Chairman Chandigarh Lalit Kala Academy, to welcome our chief guest with a bouquet of flowers. Now I request Mr. Arun Agarwal to kindly, Anurag Agarwal, sorry, to kindly present Mr. Balvinder and Mr. Ravinder Sharma a bouquet of flowers each. Mr. Balvinder. Mr. Ravinder Sharma. I invite Mr. Bhim Malhotra to speak a few words on the occasion. So, good evening, everyone. Adarniya Shri Anurag Agarwal ji, Home Secretary, Chandigarh Administration, SD Sharma ji, Hamare Madam Sumit Kaur ji, aur bhi kafi Nirupma Dutt ji, aur kafi baithe eminent log. I can't, Hamare Doctor Saab baithe hain. Aur aaj ki Hamare special artist, Ravinder Sharma ji, aur बलविंदर जी तो मैं इन सब का और आप सब का जो इतनी तादाद में आए हूँ आप सब का बड़ा हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि ये हमारा दूसरा फेस टू फेस है तो उसमें जो पहला फेस टू फेस हमारा काफ़ी अच्छा रहा मुझे बड़े अच्छा रिस्पांस बड़ा अच्छा मुझे मैसेज आए हैं काफ़ी देयर इज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स तो आई ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पॉन्स बाकी ये है कि धीरे धीरे ये इसका और हम इम्प्रूव करेंगे इसको आपके भी सजेशन भी मोस्ट वेलकम क्योंकि अभी हमने नया स्टार्ट किया दिस इज न्यू वेंचर वो कहते हैं ना कि जो गंगोत्री अभी गंगा अभी गंगोत्री से स्टार्ट हुई है अभी उसने हरिद्वार बनारस प्लेन एरिया में से होते हुए पत्नी कहाँ को पहुँचना है खाड़ी को तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस फेस टू फेस वाली जर्नी में तो काफ़ी सारे हमारे आर्टिस्ट जुड़ेंगे जैसे उसमें फोटो फोटोग्राफर स्कल्प्टर प्रिंट मेकर और काफ़ी हर तरह का आर्टिस्ट इवन जूनियर आर्टिस्ट भी आगे आएंगे दिस इज़ ए लॉन्ग अनएंडिंग स्ट्रीम्स दिस वाज जस्ट ए आइडिया फ्लोटेड तो और दूसरा जो है जो आज के जो हमारे दो आर्टिस्ट हैं रविंदर शर्मा जी और बलविंदर जी तो बलविंदर जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े अच्छे कलर लगाते हैं बड़ा अच्छा उनकी कंपोजिशन सेंस है और काफ़ी उनका जो साइलेंटली काम करते रहते हैं और उनका एक बड़ी ओपन अप्रोच है तो मुझे अभी दो तीन दिन पहले मेरे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे फेस टू फेस के बारे में जैसे हमने उनको शामिल किया है वो कहते हैं कि मेरी तो 5 साल उम्र बढ़ गई कमाल है मतलब अगर आर्ट किसी की उम्र बढ़ा सकती है ये फेस टू फेस के थ्रू तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और आर्ट का क्या पर्पज हो सकता है तो थैंक यू सर आपकी फीलिंग जो हमारे फेस टू फेस के बारे में आपको इतना अच्छा लगा कि आपको यहाँ कि आपके तो 5 साल उम्र बढ़ गई तो भगवान आपको हजारों साल आपकी उम्र रखे और दूसरा जो दूसरे हमारे आर्टिस्ट रविंदर शर्मा जी वो कहते हैं कि संत जो है व्याख्यान देते हैं प्रवचन देते हैं तो संतों के बारे में ये बोला जाता है कि संत कभी पेंट भी करते हैं वो हमारे रविंदर शर्मा जी हैं तो इनका बड़ा सीधा साधा सा हिसाब है जो इनके काम में स्ट्रेंथ है जो ये स्ट्रोक्स लगाते हैं जो डिवाइन स्ट्रोक्स जो इनके पावर एक्सप्रेशन सब कुछ एनर्जी जो लगा देते हैं वो इनके
इनके काम की झलक इनकी पर्सनैलिटी में भी नजर आती है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आप अपने काम की झलक अपनी पर्सनैलिटी में भी आप देख रहे हो, दिस अ वेरी गुड साइन। और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, बियॉन्ड द क्लासरूम बच्चों की हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल से ये दिस इज वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ गुड टीचिंग। वैसे तो ठीक है, टाइम देखा, घड़ी देखा, चले गए टीचर, वो तो अलग एक क्लास होती है। तो ही इज़ वेरी, बड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स इनको बड़ा प्यार करते हैं। और मैं तो इनका फैन हूँ, मैं इनका फैन क्या, मैं इनकी पूरी फैमिली का ही फैन हूँ। दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, तो गॉड ब्लेस देम। और अंत में मैं हमारे जो कल्चर सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल जी, उनका मैं तय दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जो फ्रीडम, जो सपोर्ट, जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, ये मिनटों का काम सेकंडों में करके हमारी प्रॉब्लम हल करते हैं। तो इनका इनका खुद का भी बड़ा आर्टिस्टिक टेस्ट है, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें इनसे काम करने का। तो सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेट इनक्रेजमेंट। और उसके बाद जो है हमारा जो ललित कला अकेदमी का स्टाफ है, और हमारे जो कृति गर्ग मैडम है डायरेक्टर म्यूजियम, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कभी जब भी हमें ज़रूरत होती है ऑडिटोरियम एग्जीबिशन हॉल, हमें उसी टाइम मिल जाता है। तो ललित कला अकादमी के मेंबर स्टाफ सबका धन्यवाद करते हुए मैं अनु जी को स्टेज पे दोबारा बुलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। द आर्टिस्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टुडे सेज दैट रविंद्र कुमार शर्मा इज व्हाट दे नेम्ड हिज बॉडी, but his soul is fondly called Ravinder Sir, a teacher of his loving students. Born in 1957 in the little known village Jol in the Una district of Himachal Pradesh, his love for art brought him to City Beautiful. One of the few bright brains of his little village, all hopes pinned on him to become a doctor. So his secondary education spoke more science than art, instilling in him the rationality of the scientific mind. Though he even bagged the national scholarship in science, destiny had already planned his lifelong tryst with art. He now considered it a boon in disguise, creating for him a firm foundation of logic to build the huge castle of his imagination upon. It is in teaching that he found the greatest bliss of his life, sowing the seeds of his contemplative experiences in the heartland of his loving students. He found the meaning of his life. A poet, philosopher, humanist, and teacher, his extensive research on Gram Devtas of Kullu Valley enabled him to feel the spirit of ancient Indian cultures. His has been a prolific professional life of 4 decades and counting, sharing the creative delight with his students through words and visuals. He has to his credit more than 30 solo shows in different cities of India, with Antar Yatra marking the silver jubilee of his exhibition of paintings, drawings and collages on Lord Shiva. He has delivered lectures on art and creativity at various universities and colleges. He has been conferred the State Award by Chandigarh administration and honored by several institutions for his contribution to art and education. Sanskar Bharati, Divine Life Society and First Friday Foundation, to name a few. He has visited several galleries in India and abroad, but his exclusion to Europe as a mentor for the award winners of Kamalin National Art Contest in 2005 remains his favorite. He has been the member of designing and execution team of Chandigarh Tabula for Republic Day Parade, New Delhi, for 3 consecutive years, that is 1989, 1990 and 1991. He is presently refracting the myriad hues of aesthetics with his students in his alma mater, Government College of Art. I request Ms. Nirupama Dutt to speak a few words on the artist. With all this face to face, I'm getting rather poetic. So, another city verse that comes to my mind is Is shehre be niyaz mein tu jayegi kahan, aa shab-e firaq tujhe ghar hi le chalu. To shab-e firaq ko ghar lane walon mein Ravinder Sharma hai. Hmm?
You see the Chandigarh art scene and how it is and how it is going to come up, as Mr. Agarwal also spoke. You know, people came here from different parts. If Balwinder came from Thuri and Malkit Singh came from Rode Lande village, we had Raminder Sharma coming from Jhol, Anu said near Una. So they brought with them a certain perception that they were living, and then there was the beautiful sort of manthan, which was what was Chandigarh, and thus came their creations. And Ravinder Sharma is much younger to Balwinder and little younger to me also. And 77 was the year when you graduated from art college, art and craft course. What really sort of made me happy that his work is really influenced by Chandigarh and what was in Chandigarh, the buildings, that no painter living in Chandigarh can be without the architecture of the city, because it is so imposing, it is so heavy. It somehow or the other enters the canvas. But what Ravinder Sharma did with the difference is the textures, the grays and the dull reds of Chandigarh, and the textures which found way into his paintings. And another very heartening thing was that he drew great inspiration from Nekchand, the creator of Rock Garden, who was again genuinely made in Chandigarh. You know, he was part of the Chandigarh tradition. And doing his own paintings, Ravinder Sharma has been doing another dedicated over the years, teaching children, holding innumerable painting workshops, and thus not just enriching his own repertoire, but also helping others to grow, which is something very rare. And it is not easy. I'll share a little anecdote with you. It is not easy for a small town boy to come and negotiate Chandigarh. Today, I think our very fine painter of Chandigarh, Rajkumar, is not here. But there is an anecdote. Rajkumar is there? Hi, Rajkumar. Dekho, main koi baat bhi Rajkumar ki reference ke bina nahi karti. But there was this very nice anecdote which he shared. When he came from Pathankot or maybe Jigrao to join the College of Art, he entered the design center, you know. And in the lobby of the design center, there was a statue of a woman, you know, scantily clad, combing her hair. So Raj looked at it and went out. He thought there's actually a woman sitting there. But to come to own this city, to create in it, to contribute to it, is something which the artists have done and done so beautifully. And Ravinder Sharma has been contributing as well as teaching children, which is something very rare. You need to have a great spirit and dedication for it. And of course, his work, when I come to, there are some who will see a painting, imagine it, put it on canvas, sketch it on canvas and fill colors. He does it the other way around. He throws the colors and then he looks for the painting, which comes out with very beautiful results, unexpected even to the artists at times. And he has had this long, an irreligious person like me will say, but no, when you say this of Shiva, it's fine, he's the god of love. He's had this long love affair with Shiva, which has manifested itself very beautifully in his work. And I don't think Parvati minds that. So I congratulate Ravinder Sharma on his work and hope to see more. In fact, I did cover the first show by Ravinder Sharma. It was a show of collages. Yes. And that was a beginning. And now he's come a long way. And we hope to see much more coming from him.
request Mr. Sharma to please come and start with his presentation. परम आदरणीय श्री अनुराग अग्रवाल जी, एम एन शर्मा जी, भीम मल्होत्रा जी, मदन लाल जी, राम प्रताप जी, बलबिंदर सिंह जी और यहाँ बैठे मेरे गुरु, मेरे शिष्य और पिछले लगभग 50 वर्षों से जिन लोगों के चेहरों को देख के हमने अपने भीतर को देखना सीखा है, उनमें आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस हॉल में लगभग 45 साल बैठने का अनुभव है आपके साथ इन कुर्सियों पे। जब भी कभी यहाँ कोई प्रेजेंटेशन हुई, बहुत ऊर्जा मिली। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो ऊर्जा मैंने वहाँ लेके बैठा हूँ, मैं आज आपके साथ वो सारी शेयर कर सकूँ। मेरे इस हॉल में मेरे बेटियाँ और मेरी संगनी भी बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे होंगे कि मैं ठीक बोलूं, लेकिन एक आदमी और भी प्रार्थना कर रहा है, वो है भीम मल्होत्रा जी। वो दिल से प्रार्थना कर रहे होंगे क्योंकि उनको मेरे पे बहुत मान है। और भीम जी, मैं आपके इस मान की कदर करता हूं। सर ने ठीक बताया है कि आपकी रहनुमाई में ललित कला एकेडमी कुछ ऐसे आयाम छू देगी जिसके लिए बहुत गहराई चाहिए, वार्मथ चाहिए, लाइट से ज़्यादा वार्मथ चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस स्लाइड शो का जो मेरा टॉपिक है वो है बिटवीन लाइट एंड वार्मथ। लाइट मैं समझता हूँ रीजन है और वार्मथ एक भाव। जैसे एक नदी दो किनारों के बीच में बहती है, व्यक्ति को भी रीजन और इमोशन, रैशनल एंड इमोशनल, इन दो पहलुओं, दो किनारों के बीच में बहना है। जिस वक्त इनमें से कोई एक भी किनारा टूट जाता है तो फ्लड बन जाता है, नदी रहना नहीं रहती। सो ये जो काम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, मैं चाहूंगा कि आपके साथ उन कामों के साथ ही बात करूं। मैडम निरुपमा दत्त जी ने बहुत भावपूर्ण मेरे बारे में कहा, मैम मैं आपका तह दिल से भारी। मुझे याद है कि जब मेरा पहला कॉलेजेस का शो था तो मैडम के वो शब्द यहाँ हमारे बीच में प्रोफेसर के गर्ग भी हैं, वो भी साथ में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं नेकचंद जी से प्रभावित होके, क्योंकि जब मैं यहाँ कॉलेज में आया तो मैं थोड़ा इकोनॉमिकली किसी गांव से आया था, आई कुड नॉट स्पेंड दैट मच कलर फॉर मनी फॉर कलर्स, सो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मैगजीन, स्टेयरिंग देम एंड पुटिंग देम इनटू डिफरेंट शेप्स। और मैं इस बात को बहुत फख्र से बता रहा हूँ आपके साथ कि मेरे कॉलेजेस के म्यूजियम की कलेक्शन में हैं और मैं अभी आपके साथ वो साथ साथ ही शेयर करूँगा। सो नेकचंद जी पे मैंने एक कवाली लिखी थी और उस कवाली को दोबारा पिछले साल गाया गया। मैं जब वो शब्द लिख रहा था उनके लिए तो मुझे लगा कि ये जो वेस्ट है इसे बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप बेस्ट के साथ खेलते हैं तो आपके अंदर जो फ्रीडम और ऊर्जा होती है वो मटेरियल से भी मिलती है। बेस्ट मटेरियल आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। और मैंने वो जो उनके ऊपर कविता लिखी थी, मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाऊंगा क्योंकि मुझे वो शब्द आज भी ताकत देते हैं। जो किसी काम का नहीं था नेक जी ने गले लगाया, काम का नहीं जो टूटी हुई चीज़ें हैं जिनको कूड़ा समझते थे, देकर उजाला दिल का उसे नूरे जहां बनाया। आज दुनिया भर के लोग उस बेस्ट मटेरियल को देख के, सो आदमी मटेरियल में माइंड की एसोसिएशन से वो नूरे जहां हो जाता है जो वेस्ट है। सो मैंने ये जो कॉलेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक पेंटिंग है ध्यान की। भीम जी ने मुझे एक संत की उपमा दी है, मैं शायद इस जीवन के जन्म के अंत तक वो बन सकूं, लेकिन पेंटिंग करते वक्त वो अनुभव मुझे कई बार हुए हैं जब मैं अपने ईगो से ऊपर हटा हूँ। मैं अपनी माँ का बहुत आभारी हूँ, मेरे पिताजी 2 साल की उम्र में मेरे से बिछड़ गए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पाला है। वो मुझे देखा करती थी और अपनी नज़रों से जो ऊर्जा बरसाती थी
मैं वो कविता उनके ऊपर एक बुक लिखी है, विद इन 2 मंथ्स मैं यहाँ रिलीज करूँगा। कई बार अपने माँ बनाए हुए चित्रों को निहारते निहारते मैं इतना प्रेम विभोर हो जाता हूँ जैसे मुझे निहारते पुकारते मेरी माँ हुआ करती थी। माँ अगर इकलौता बेटा हो तो बस उसके पास बैठना पसंद करती है। आजकल कई लोग नहीं पसंद करते कि उसकी माँ उनके कमरे में आए, लेकिन माँ का निहारना मैं समझता हूँ किसी के लिए भी ईश्वरीय वरदान है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद कॉलेजेस, मैगजीन फाड़नी और मैगजीन को जोड़ना, स्पेस देखने लिए का और विजर जी का वो समय देखना। नेक्स्ट, ये मैंने गणेश जी बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम किसी मैगजीन को फाड़ते हैं तो वो जो लाइन बनती है कॉलेज में, वो लाइन अपने आप में एक ऊर्जा है। सो मेरी एक पेपर था मेरे पास, ये वायलेट कलर का, उस पेपर को इस तरह से टियर करना था कि वो जो आउटलाइन वाइट लाइन है वो अपने आप ही बीच में से उभरे। तो ये वो लाइन, ये सारा पेपर कलर्स गणपति बनाए हैं। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉलेज मेकिंग, कि हाउ यू कम आउट विद दैट फॉर्म एंड स्पेस। देन ये सनफ्लावर्स हैं, लेकिन मैंने वो मोर के पंख बना दिए हैं। लेकिन यू लुक एट द रिदम, द स्पेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दे आर ऑल इन्वॉल्व टुगेदर। शिव बैठे हैं, शिवलिंग है, बट देर इज दैट प्ले ऑफ लाइन्स एंड फॉर्म्स एज इफ दे आर डांसिंग टुगेदर। ये पेंटिंग प्रीत लड़ी पे एक कॉलेज छपा था, जस्ट टियरिंग एंड पुटिंग लिटिल पीस एंड सीइंग द एनर्जी ऑफ इट, कि हाउ एक साड़ी का फॉल कैसे एक कागज से लेना है, एक मोशन कपड़े की या उसका जो डिस्टेंस है। सो वो कॉलेज की टेयरिंग एंड पेस्टिंग इज इट सेल्फ एंड वर्शिप मेडिटेशन। ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉलेज। मैं शिप बना रहा था तो मुझे उनकी जटाओं के लिए सोच रहा था कि क्या आप करना चाहिए। ये डिम्पल कबाड़िया का पोस्टर मुझे मिला और लोग तो उसको डिम्पल समझते हैं कि हीरोइन है। मुझे लगा कि इसके बाल तो शिव के बाल हैं और मैंने उसके चेहरे पे ये पेंट कर दिया। सो वास्तव में ये डिम्पल कबाड़िया है। अभी आप ये जटाएं देखें, सो आपकी सोच आपके सामने जो भी है उसको बदल सकती है। मैं ये पोर्ट्रेट बहुत फेमस हुआ, मैं याद नहीं मुझे किसकी कलेक्शन में, बट आप इसको बहुत जगह इलस्ट्रेट किया गया कि आर्टिस्ट जब देखता है तो वो अपने आप कुछ को कुछ देख लेता है। आपकी जो इनर परसेप्शन है, रेटिना, चाहे कुछ भी देखे वो उसको इमेज को चेंज कर लेते। दिस इज अनदर कॉलेज। में बिजली महादेव हिमाचल में एक बहुत टेम्पल है, आई वेंट देयर, जहाँ हर साल शिवलिंग पे बिजली गिरती है और उसको मक्खन से जोड़ के रखा जाता है। सो दैट वॉज एन एक्सपीरियंस कि उसके अंदर कहते हैं कि भगवान अपने ऊपर मुसीबतें ले लेते हैं। तो ये एक कॉलेज है जिसमें पेपर को फाड़ के आपस में जोड़ के एक पेंटिंग बनाई गई है। कॉलेज में मैंने फिर अपने कुछ पेंटेड पीसेस को फाड़ना शुरू कर दिया। आई यूज टू क्रिएट टेक्स्चर। निरुपमा जी बता रहे थे कि मैं देखचंद जी के साथ कई बार आर्किटेक्चर कॉलेज में था तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाया करता था। सो दे आर आई लर्न टेक्स्चर्स, सो दैट बिकेम माई एमिनेंट एलिमेंट ऑफ माई पेंटिंग। सो ये पेपर पे टेक्स्चर क्रिएट करके फिर उसको काटना या फाड़ना, फिर स्पेस के हिसाब से, यानी कि शक्ति, एक आदमी नीचे गिरा हुआ, दूसरा आप किसी आदमी के भीतर की शक्ति दे के, आदमी आदमी का वातावरण है, दैट स्ट्रेंथ इज देयर। ये रेजोनेंस, प्रकृति भी आदमी को देख के बड़ी बनती है, आदमी प्रकृति को देख के बड़ा होता है। सो देर इज एन इंटर म्यूचुअल, आपस में एक रिलेशन है। दिस इज अनदर कॉलेज। पेंटिंग बना के उसको टियर करके देन यू पेस्ट देम अकॉर्डिंग टू द स्पेशियस रिलेशंस। दिस इज अनदर कॉलेज, टियरिंग ऑफ द मैगजीन। नेक्स्ट, नो सी द कलर्स। दिस वॉज अ सिंपल ए माउंटेन सीन। आई फाउंड द कलर्स एंड आई क्रिएटेड द कलर्स अकॉर्डिंग टू माई डिजायर्ड कंपोजिशन। उसी में से पीकॉक निकला है एंड दे आर ऑल कंबाइनिंग विद वन एंड अदर टू क्रिएट दैट द म्यूजिक, द सॉन्ग ऑफ। नाउ
I was given a calendar by somebody which had a beautiful landscape. I started using the calendar. I created something, covered that some area with colors and left some area of the color. So that nature, when comes to your mind, you start worshipping. मैंने उनके बॉडी में एक नेचर को दिखाया है. सो दिस इज एन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज कि यू टेक ए पेपर कलर्ड पेपर यू कवर सर्टेन एरिया विद कलर्स एंड वट एवर यू लीव दैट इज दैट कंपोजिशन सो यू सी दैट इमेज लाइक दैट अनदर कॉलेज यू पेस्ट द पेपर ये मीनाक्षी जैसे कहते हैं तो दोनों की आंखों में से वो लाइन गई है मछली से दैट सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन मेल एंड फीमेल शिव शक्ति Another collage, tearing and seeing, Jana Us Paar, na, Le Chal Paar, I was listening that song. They say, so sometime a song becomes your content and that gives you the strength to paste. But then I start getting invitation to hold workshop. And I found that a man is the most important source of man's energy. Main aapke saamne bol raha hu, to your positive energy is coming to my body, my soul, my words, and that became a bachiyan thi Hansi College mein I was holding a workshop and they were sitting there, sir will sit down, yahan bhi bachche niche baithe hain. You start getting energy from everybody who is participating in your endeavors. Then x-ray, mein doctor baithe hain, Dr. Yashpal baithe hain, I asked them to give me some waste film of x-ray and we had a workshop, Art for Heart. It was there in PGI, some of the paintings are displayed in the heart surgery department. This is a waste x-ray and I use that x-ray to use the tones and texture of the x-ray, the light and dark areas and something pasted in the background. So the transparency of x-ray became a merit for me. These x-rays, they are in the collection of 2-3 museums. And my first painting at the national level, Lalit Kala Academy, was also an x-ray, I'll show you. Now see, this is an x-ray film. The nature, the bounteous nature, the momentum of the line and form, they are just singing a chorus together. That was a collage, Agni of the Girl Child. बच्चे माँ की गोदी में दूध के लिए प्यासा है लेकिन माँ इसलिए दुखी है कि मेरी गोद में बेटी है सो देर इज नॉट कंटेंट ए ब्लेसिंग हैज बिकम ए कर्स सो दैट वाज माय पेंटिंग इन एक्सरे फर्स्ट एक्सरे कॉलेज इट वाज डिस्प्लेड इन 1992 इन लखनऊ नेशनल ललित कला एकेडमी एग्जीबिशन नो दैट अग्नि द डार्कनेस अराउंड यू आर इन डार्कनेस ड्यू टू योर थिंकिंग देर इज लाइट बट You feel that darkness with your own emotions, with your own thinking. So say 90% of the darkness we find around is our self-created. Then I start doing my research on Gram Devtas. And instead of writing, I start painting along. So I created most of the works on temple series. Whenever I'm going to any temple, I found some sort of Nandishwar, Shivling, and some texture around, and I started creating those compositions accordingly. This is Amrit Bela. Early in the morning, the people who rise early in the morning, they get automatic energy. Amrit flows to them. They are the source of beauty of this earth. Another collage in X-ray collage, aap ek bar ulte ho jayen, तो सीधे होते हैं कबीर ने कहा एक बार मरे सो जिए वी हैव टू डाई टू अवर होम है नीचे उल्टा होना का मतलब है कि होमें निकालने होमें जाई ते कंत सहाय गुरु नानक देव जी ने कहा सो टू गेट जीरो टू योर ईगो टू योर अहंकार दैट इज द पेंटिंग ही इज लुकिंग गुरु इज लुकिंग कि तुम अभी उल्टे हो मैं सीधा कर सकता हूँ यू हैव टू बी विद मी Another painting, Mangala Kali. There is a female lady in top pe Nandishwar hai, Prakriti hai. A simple piece of X-ray film ke niche ek black piece lagaya. Another painting, and this is again X-ray collage. Ye painting, jab hum
करवा चौथ का व्रत रखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, दैट इंस्पिरेशन की हाउ वी लव हैव मेड कस्टम टू सी द नेचर अराउंड. देन दिस इज आई स्टार्टेड आई गॉट मैरिड इन तीर्थन वैली कुल्लू बंजार एंड आई वॉज इन द लैप ऑफ नेचर. और मैं ये टाओइज्म, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो कहते हैं द ह्यूमन बींग फॉलोज द लॉज ऑफ द अर्थ फॉलोज द हेवन एंड द हेवन फॉलो गॉड एंड गॉड मस्ट फॉलो नेचर. टाओइज्म का था कि विदाउट नेचर यू कांट अप्रोच द डिविनिटी, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड. सो देन बिकेम एन ए वेरी इंपॉर्टेंट एरा ऑफ बींग इन नेचर. आई स्टार्ट सींग द रॉक्स, I start seeing the shadows and try to evolve those textures which are lying there. This is a demonstration on an X-ray film. I start painting on X-ray films. This is a painting I created, and you'll see that painting, it is on X-ray film and it is done with the cardboard, not any brush. This is the painting. It is not done with a brush. It is done with a simple cardboard on a waste X-ray film. So you can look at the water and the motion. I love these. It looks as if there is a brook singing. Zen Buddhism, mein Buddha ne kaha tha, the mountains are my color and the brooks, they are my sermons. So whenever we listen the song of brooks, we are listening to Buddha, because we don't have anything else in mind. Without word, they are the great teaching. Yeah. I had a chance to visit Hampi, Karnataka with my third year class this year. So there in Tungabhadra Nadi, I painted that river. And you look at the rocks and water together going, such a beautiful area. The whole river has so many divine temples. Another brook. Now, this is of a Tirthan Valley. There is a particular temple in Tirthan Valley, and it was coming from three sides. Water was coming Triveni. So I had a chance to stand there, and this is again a cardboard painting. There is no any use of brush, simply by pressing the color with the cardboard, and the pressure varies, you get the color and texture of the rocks. This was water flowing, and you can listen the music of that painting. Another sea scene, again done with cardboard, water. This brook is very close to my in-laws' house. मेरे सासू माँ में जब भी कभी ससुराल जाता था तो मैं जैसे ही जाना मैं उनको कहना मैं किसी झरने के पे जाके आता हूँ. तो उनको पता था, वाइफ कहती थी रोकना नहीं कि अभी आए हैं, ये थोड़ी मस्ती है. तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम सिटिंग अराउंड ए ब्रुक एंड पेंटिंग दैट. अगर दो दिन वहाँ रहे तो मेरे उन्हें शिकायत होती थी कि हमारे पास बैठते नहीं, बट दे अलाउड मी टू डू दैट. अनदर हिल इन पिलर्स, अनदर ब्रुक. आप ये ब्रुक देखें, it was a very distance when I created on a painting, this painting again on cardboard. आप जब ये पानी ऐसे गिरता है तो इस गिरते हुए झरने का जो संगीत और इसकी जो एक आभा है वो बांध लेते आपको. ये पहाड़ों की रॉक्स की टेक्स्चर, वो आपस में जुड़ना गिरना. अगर कहीं सुबह उठ के ऐसे एक पेंटिंग संगीत में आप बनाएं या देखें तो आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट मेडिटेशन. Another brook. Jalodi Pass hai Himachal mein. Ek, I was there, kehne lage tufaan aa gaya, apne jana hai. I was making this sketch and that is that particular hill in Jalodi Pass. I preach my students to get up early in the morning, and this is an X-ray collage. A X-ray painting is covering that. Who can see that morning? So this is that morning, the beauty of morning. You raise your hand when the early dawn is bringing its energy to you people. That another painting. In my village, watercolor. This is another early in the morning scene in watercolor. Again, a landscape of Kullu Valley. Even during a snowfall, I was there.
So I try to cover that particular landscape in snow. This is in a technique with churning with brush and these trees. This painting is in the collection of a Sweden art collector. You look at the trees' textures and forms, they're all as if combining with one another to make a beautiful patch. My mother was sitting near a tree. She used to get up in the morning and she used to sit with the meditation in such a posture. I have tried to create, there is no color, all thing has become blue. The textures and walls, stones, they are Nekchand area. I try to make some abstract architectural renderings. Next, some abstraction entered my work. Yeah. रात को कभी किसी ने मोर को उड़ते देखा होगा तो उस सन्नाटे में जो मोर के उड़ने से आवाज़ आती है और वो जो है यहाँ एक लड़की खड़ी है मैं अभिसारी का इसका नाम रखा है सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल नाइट सीन चांदनी में सम स्केचिंग विद दिस आर नॉट डन विद पेंसिल मैं ऑयल कलर को अपनी उंगली पे कपड़ा लपेट के एक ब्रश बना लेता हूँ एंड ऑयल पेंट्स में स्केचिंग करते हैं आई हैव मैनी लैंडस्केप एंड इट इज़ बेस्ट सॉर्ट ऑफ स्केचिंग मीडियम नेचर में कई बार कैमोफ्लेज होता है कि पक्षियों में ऐसे रंग होते हैं कि वो वातावरण से मिल जाते हैं सो आई सॉ ए बर्ड एंड ट्राई टू कैप्चर दैट ब्यूटी ये देन आई स्टार्ट पेंटिंग सम टेम्पल्स Now look at the temple. There was ice on one side and that dark and light areas contrast combining with one another. There was a lake in the front and it in evening scene. This ये जो painting है मैं कैलाशनल temple एलोरा में जो I had an experience I try to paint it in my mind ki how much I can recollect of Kailashnar temple Ellora. So that stone and that dark and light areas, texture, it's very enjoyable when you create that with your, it is again done with cardboard, not brush. Because cardboard is the most effective tool to make these textures. ये हनोगी टेम्पल वैन यू गो टू कुल्लू वंस वी बट ट्रैप देयर सो आई सेट देयर एंड क्रिएटेड ए स्केच देर वॉज ए लॉन्ग क्यूज सो आई सेट दैट इट वॉज इवनिंग लाइट्स वर देयर एंड आई क्रिएटेड दोज निशेज फ्रॉम हनोगी टेम्पल नियर ऑट अनदर टेम्पल इन द लेक आई लेफ्ट द ट्रीज अनदर टेम्पल एंड अनदर वॉटर कलर अनदर टेम्पल My mother, she was going to a temple, very old temple, and she used to cover her whole body with that garment. And whenever I paint a lady, I can't help painting her. Yeah, she is that lady. You can see that. These are the landscape of Hampi. I went there. There were caves. There were temples, and I created in some hazy strokes. It's not very clear, but concentrating on that particular area. And to see the softness and contrast of the colors. So these are the landscape of Hampi, Karnataka. Next. Again, Hampi. Water is coming very fast, and there are some temple caves. This is my village temple. Again done with cardboard. You press the card and lift and then again ply. So with one stroke you create the whole wall. Again my mother, this is a drawing line. I had a chance to paint during Kargil war. Jab Kargil war ho raha tha to maine painting ka exhibition lagaya. I went to Chandi Mandir. मैंने उनसे पूछा कोई आदमी ऐसा जो कारगिल से युद्ध लड़के आया हो मैं उसका इनॉग्रेशन उनसे करवाना चाहता हूँ देर वॉज ए मेजर ही हैज़ गॉट 6 बुलेट्स इन हिज बॉडी सो ही वॉज बेटर देन मैं उनके पास गया मैंने कहा मेरा एग्जीबिशन है आप मेरी एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन पे आएँ
उसने कहा, मिस्टर शर्मा अभी बार चल रहा है, मैं अगर खड़े होने लायक हो जाऊंगा तो आई वुड लाइक टू गो बैक टू द बैटल फील्ड, मैं लड़ाई नहीं यहाँ नहीं आ सकता। और मैं सलाम करता हूँ अपने देश की फौज को जिनके ये सेंटिमेंट्स हैं। सो आई डिड दैट कि कैसे तूफानों में भी वो सेना आगे बढ़ती है एंड कैसे ये लोग अपने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट, अगेन मेरी कुछ समाधि की एक स्टेज आई है कि पेंटिंग करते करते मैं रात को, कई बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हाँ 2 बजे मैं पेंटिंग का कुछ मुझे दिखना तो मैं कैनवस को नीचे रख के मैं साक्षात लेट जाता था एंड आई यूज टू फाइंड दैट इमेज। सो वो ट्रांस वाला एक्सपीरियंस ही कुछ पेंटिंग है आपके साथ। नेक्स्ट, ये एब्स्ट्रैक्शन है जैसे वाटर लॉक्ड है बट उसमें से जो छूटा हुआ है दैट इज इमर्जिंग आउट ऑफ एज अ ब्यूटी एन एक्सपीरियंस ऑफ द मून। ये महाकाल, दिस वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस। ये कुछ वाटर कलर्स हैं, नो द पावर ऑफ स्ट्रोक, दिस आई डिड ब्रश वर्क। I started painting by giving bold stroke to the brush. मस्ती जो है, मैंने देखा स्ट्रोक की जो ताकत है, when it is visible on the canvas, it empowers the onlooker. So I try to have कि just stroke मारने हैं and you have to create that. So I started creating a series of this. Next, ये a family sitting, not to clear everything in white, just to show the main thing. आई डिड सम फोटोग्राफी, मेरे एक कुलीग हैं यहाँ बैठे हैं नूतन धीमान जी, वो स्कल्पचर बना रहे थे, उन्होंने पास में एक कपड़ा गीला करके रखा हुआ था और मैंने उस कपड़े को देखा तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छी कंपोजिशन है और मैंने ही उसका फोटोग्राफ लिया। द लाइट वॉज देयर, ये गीला कपड़ा जो वो पानी लगा के कर रहे थे, दिस इज दैट क्लॉथ। अनदर, यहाँ एक होल था, the light was coming and I tried to capture that hole in a hill. Next, again that texture. हमारे गांव में एक पांच पीरी है, पांच पीरी में जब छोटा था 5-6 साल का तो हमारे सारे गांव के लोग वहां जाके अपनी भैंसों का दूध वहां दही चढ़ाया करते थे और ये पांच पत्थर थे तो मैं उनमें से भगवान ढूंढा करता था कि ये पत्थर हैं तो भगवान कैसे हैं, मैं उनका चेहरा देखता था, कई बार मुझे शक्लें भी दिखने लग पड़ती थी। तो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग दोज फाइव, पांच पीरी, पांच पत्थरों की जो पूजा होती थी कि हाउ दैट इज लुकिंग एंड शेयरिंग दैट बॉय एनर्जी विद मी। सो आई ग्रू सीइंग दीज गॉड्स एंड स्टिल आई लव टू बी देम। अगेन दोज rocks, sometime a rock become your attraction. ये शिव एंड शक्ति, एक रॉक में थोड़ा सा मुझे एक हिंट मिला कि देर इज ए मेल एंड फीमेल फॉर्म, सो आई एडेड सम स्ट्रोक्स टू शो इट एज ए। दिस पेंटिंग इन द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम, द डायलॉग बिटवीन टाइम एंड स्पेस, हाउ टाइम एंड स्पेस आर एवरीवेयर अराउंड अस एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। This painting is in the collection of Indian Income Tax Department. During their Diamond Jubilee, they had an exhibition and they invited us. And this is a myth interpreted, ki how life after death, how we proceed towards our Yamaraj with our all aspect of life. Another drawing. My mother. Next, I did an experiment. There was a pond in Tirthan Valley and there was some very interesting composition in between. So this is inside the water pond. I try to capture those colors ki pani ke niche, pani ke andar dekhna hai to kaise dekhna hai. So main Yamuna Nagar mein I had an exhibition, wahan mera lecture bhi tha, wahan ek justice baithe hue the hamare saath, unhone क्वेश्चन किया, जेंटलमैन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैंने कहा सर प्लीज, इमोशन के रंग कौन से होते हैं, बहुत ही भावुकता का कौन सा रंग होता है? एंड आई वाज लिटिल, फिर मैंने सोचा कि भावुकता में आंखों में एक
पारदर्शिता सी आ जाती है आंसुओं की, तो फिर कोई भी रंग क्लियर नहीं दिखता। मैंने उनको कहा, सर अगर भावुकता पेंट करनी है तो कोई रंग नहीं पेंट कर सकते, यू कांट सी एनी कलर क्लियर। अब मानेंगे नहीं, वो ऑडियंस से उठ के ही केम टू द स्टेज, ही एम्ब्रेस्ड मी कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस आंसर फ्रॉम अ यंग बॉय लाइक यू। सो दिस वॉज अंडर वाटर, दैट फॉर्म भी क्लियर नहीं है, यू फील कि पानी ऊपर से है और आप उसमें से देख रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज अनदर ड्रॉइंग, अनदर ड्रॉइंग, अनदर ड्रॉइंग। ये भाई कन्हैया पीछे हैं, भाई कन्हैया मश्क लेके पीछे हैं। हमारे में कितना भी परिवर्तन आ जाए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे बेस हैं उनकी ऊर्जा से बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ये विश्वास है कि जब तक हमारे पास हमारे पास्ट की ऊर्जा प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर बहुत सुरक्षित है। सो मैंने उनको पीछे दिखाया हुआ कि ये सारी शानो शौकत, ये जितना भी हमारे भीतर में कोई नूर है, उस नूर के पीछे वो लोग शेडो बन के जो यहाँ जिए हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, भाई कन्हैया जो युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया करते थे, दैट सॉर्ट ऑफ जननी जन्म भूमि दैट पेंटिंग। ये बसंत है, एक जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये रैशनल है, और ये जो ऊपर कलरफुल आके पैचेस गिरे हुए हैं ये इमोशन है। सो रैशनल एंड इमोशनल सपोर्ट ईच अदर, दैट इज ए बसंत का ये कलर्स फॉर्म कैसे आपस में देना है। दैट पेंटिंग, नंदीश्वर जैसे खो गए हैं, रॉक्स में ढूंढ रहे हैं, एंड दैट टेक्सचर ऑफ द रॉक्स एंड द ब्यूटी, आप इसमें बहुत सी फॉर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट, another x-ray painting, this is Shiva, shakti srishti karta, aise lagta hai ki unke baalon mein hi puri srishti hai, bhagwan shiv ka ek roop dikhaya hua hai, that bold bada canvas hai ye, this is shakti avahan, bhagwan shiv bhi apni shakti ka paan karte hain, wo upar maine dikhaya ek lady peer hai, yahan se sher ki urja udhar ja rahi hai, so I started creating these textures, ye jo beech mein khali akash hai wo shiv hai, maine yahan david bhi banaya baitha hua, agar aap wahan dekhen to david hai jo Michelangelo ki sculpture hai, so that experience ki you see that in space, charon taraf ke influences hai. Next, another painting, I play sometime lines appear and I leave it as it, I play with colors and see the whatever is coming out. ye aap yahan dekhen, ek aadmi bhagwan shiv ke upar pranam kar raha hai side mein, lekin pranam wo dhyan dekhen aise nahi kar raha, aise nahi kar raha, wo aise kar raha hai, aise ka matlab hota hai ki main bas aapke siway aur koi nahi hai. सो आई लव दैट सॉर्ट ऑफ, आप उसका हैंड रखने का थोड़ा सा बॉस देखें कि समर्पित है, ये समर्पण है, नॉट टू टेक एनीथिंग, माई लास्ट रेफ्यूज. नेक्स्ट, ये पेंटिंग इंडस वैली के नीचे के शिव हैं और ऊपर वो प्रभाव लिया हुआ है जो उसमें एलिफेंटा केव्स में महेश मूर्ति है, और पीछे कितने एनिमल्स, सो दैट ऑल टुगेदर सृष्टि के कितने कोनों में भगवान शिव का स्वरूप आप देखते हैं. ये जो टेक्सचर है, इट इज ऑटोमेटिक कमिंग आउट ऑफ द ब्रश स्ट्रोक, इट कम्स आउट अगेन, दैट प्रकृति सुप्रकृति. नाउ दिस इज अ पेंटिंग, आप लाइट एंड वार्म देखेंगे, जो फॉर्म है नेगेटिव फॉर्म भी कई जगह शिव निकल रहे हैं. सो द कलर्स दे स्टार्ट सिंगिंग द कोर्स ऑफ योर इनर लॉन्गिंग, दैट बिकम्स विद द लिटिल एक्सपीरियंस. सो दिस इज एन अनदर मेडिटेशन इन कलर, द बर्थ ऑफ ए पोइट्री, दिस इज अनदर पेंटिंग, अनदर पेंटिंग. तांडव, मैं कई बार आई स्टार्ट पेंटिंग दिस वन इन नेशनल कैंपेन पंजाब कला भवन, आई क्रिएटेड दीज टू पेंटिंग, दिस पेंटिंग एंड दैट पेंटिंग, जस्ट बाई चर्निंग द ब्रश एंड यू सीइंग दैट. ये किसान के ऊपर पीछे सुखना झील पे एक लगा था, ये किसान नहीं है, उसकी आत्मा देख रही है, और जमीन में ये जो बट पड़े हुए हैं
ये भी वो बट हैं कि अब मेरा किसान नहीं है, जमीन भी रोती है. सो दैट एक्सपीरियंस इज शोन, इज सोल इज लुकिंग एट दैट ए ड्रॉइंग. ये दिस वॉज एन एग्जीबिशन इन द लास्ट ललित कला अकेडमी, द बर्थ ऑफ नंदी इन वन मोनोक्रोमेटिक कलर्स. And the person who has given us the words, मैं समझता हूँ कई हमारे आज के मुख्य मान अनुराग जी भी शब्दों के बहुत जादूगर हैं, उनके शब्दों में भी मिठास है. एक अच्छा वक्ता शब्द रूपी बीज को भिगो के हमें देता है ताकि वो अंकुरित होने में देर नहीं लगे. सो डॉक्टर गोस्वामी में भी एक खूबी है कि जब भी उन्हें सुना हमें प्रेरणा मिली. थैंक यू सो मच, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. I request Mr. Anurag Agarwal to please give a token of appreciation to Mr. Balwinder. And to Mr. Sharma. Now I request Mr. Bhim Malhotra to please present our chief guest with a token of our gratitude. I request Mr. Anurag Agarwal to speak a few words on the occasion. Bhim Malhotra ji, chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy, yahan par upasthit Shri S.D. Sharma ji, member of Chandigarh हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, आज के वरिष्ठ कलाकार बंधुओं मिस्टर बलविंदर जी, मिस्टर रविंदर शर्मा जी. जब ये भीम मल्होत्रा जी चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी के चेयरमैन बने तो हम सबको इस बात की उम्मीद थी कि ललित कला एकेडमी एक और जहां पूरे विश्व के देश के आर्टिस्ट को चंडीगढ़ लेकर आएगी, वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ की अपनी मिट्टी की महक भी लोगों के सामने पेश करेगी. तो ये जो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने चलाया है फेस टू फेस विद लोकल आर्टिस्ट, ये एक बहुत ही अमेजिंग बिगनिंग है. इनफैक्ट चंडीगढ़ के अंदर हर क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तो हम देखते ही हैं, जानते ही हैं, आर्ट के क्षेत्र में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में इतना टैलेंट है जो अमेजिंग है, और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल क्वालिटी का है. और सबसे बड़ी बात, इतने आर्ट लवर्स हैं चंडीगढ़ में. नाउ इनफैक्ट व्हेन आई वाज कमिंग फॉर दिस इवेंट,
I was saying that, you know, we should organize a bigger event for our artists, maybe at Tagore Theatre, but even the crowd today is huge. So many people standing over here is a testimony of how much we love, people of Chandigarh love art, and we love our own artists. I have been to other programs here, and there have been very prominent artists coming from all over the country, maybe one or two from abroad also. But this house, this room, this auditorium, this hall has never been filled up with so many eager, loving and affectionate art lovers. So thank you all, and congratulations to Chandigarh Lalit Kala Academy. In general, all the office bearers, in particular Bhim Malhotra ji, Ram Prakash ji, aapke sabhi sahyogiyon ko main bahut bahut badhai dena chahta hu. Bahut acha kaam Chandigarh Lalit Kala Academy kar rahi hai, aur mujhe puri umeed hai ki art ke kshetra mein, actually we are trying our level best with a few more events that are going to be organized by Chandigarh Lalit Kala Academy and also by other institutions under the Department of Culture, ki Chandigarh ki ek antarrashtriya star par art ke kshetra mein ek pehchan bane. Matlab ek, jaise abhi aap keh rahe the, ab madam aap apne sambodhan mein keh rahi thi ki Chandigarh School of Art, Chandigarh School of Art is one thing. We should all try and make an effort to make Chandigarh a art city, an art capital, if not of the world, at least of India. So any artist all over the country, they look forward to an annual art event or biannual art event in Chandigarh. And we are trying to weave it through, and hopefully in December we will like to have the first version of an international art event at Chandigarh in Rock Garden, and we will try to take it forward. And years to come, hum chahenge ki Chandigarh ek art ka bahut bada kendra bane. Jo smart city ka project bhi humne banaya hai, usme humne Chandigarh ko ek kisi prakar ke bahut bade audyogik aur business gharanon ke shahar ke roop mein nahi dikhaya. Hum sab jante hain, jo log Chandigarh se, iske janm se hi jude hain, wo sab jante hain ki Chandigarh ek art aur culture ka shahar hai, aur Chandigarh ki pehchan ek art aur culture ke shahar ke roop mein bani rehni chahiye. To bahut shighr hi bahut se aise karyakram hone wale hain, aur aap sab art se jude hue log hain yahan par, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के क्रिएटर्स हैं, आप सबसे भी, वी आर वेरी ओपन, प्लीज़ गिव योर सजेशंस हाउ वी कैन फुलफिल दिस डिज़ायर ऑफ ऑल ऑफ अस टू मेक चंडीगढ़ एन आर्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री, यू नो, द मोस्ट हैपनिंग, द मोस्ट पल्सेटिंग प्लेस विद द आर्ट इन द कंट्री. वी विल बी वेरी कीन टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉजिटिव सजेशंस दैट वी गेट with your help and support. Once again, all the best to Lalit Kala Academy, and my appreciation and my regards and respect to the two artists whom we are here face to face with today. Thank you.